आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कर्नाटक में फिर सियासी घमासान, कुमार स्वामी बोले सरकार को कोई खतरा नहीं। मीसाबंदियों की पेंशन का मामला, शिवराज का ट्वीट, कांग्रेस सरकार ने लिया यू टर्न। मध्य प्रदेश में निर्दलियों को साध रहे हैं कमलनाथ, सुरेंद्र सिंह शेरा बनेंगे मंत्री। सवर्ण आरक्षण फिलहाल छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा, कांग्रेस सरकार ने इसे बताया भाजपा का चुनावी हथकंडा। नक्सलियों ने लगाई बस में आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, दो नक्सली पकड़े गए। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में जारी सियासी नाटक के बीच कांग्रेस ने 18 जनवरी को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस सांसद मुनियप्पा ने कहा कि अगले कैबिनेट विस्तार में सभी को मौका मिलेगा, इसीलिए जो विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो डरे नहीं और लौट आए। एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार पर खतरा बना हुआ है। दो विधायकों ने एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दोनों विधायकों निर्दलीय एच नागेश और केपीजेपी के विधायक आर शंकर ने राज्यपाल वजूभाई वाला को पत्र लिखकर उन्हें अपने फैसले से अवगत करा दिया है। फिलहाल उनके इस कदम से प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का कहना है कि अगर कांग्रेस जेडीएस सरकार गिरी तो भाजपा राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और कांग्रेस ऐसी किसी भी संभावना से लगातार इनकार कर रही है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार एक या दो दिन में कांग्रेस के और कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इन खबरों का पूरी तरह से खंडन करते हुए मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि राज्य में सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंबई की होटल में रुके विधायक मीडिया से दूर हैं, लेकिन मेरे संपर्क में हैं। मैं हर किसी से जुड़ा हुआ हूं और सभी से बात हो रही है। वो लोग लौट आएंगे, हमारा गठबंधन आराम से चल रहा है और मैं पूरी तरह रिलैक्स हूं। उधर कांग्रेस जेडीएस सरकार द्वारा लुभाए जाने के डर से भाजपा ने अपने विधायकों को हरियाणा में नूह जिले के आईटीसी ग्रांड भारत रिसोर्ट में ठहराया हुआ है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेट्टार और शोभा करंदलाजे जैसे अन्य वरिष्ठ नेता भी विधायकों के साथ हैं। कर्नाटक के असेंबली चुनाव में मैंडेट प्राप्त हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनी थी कुमार स्वामी की कांग्रेस के सपोर्ट में, लेकिन वो ऐसी अभद्र नीति और नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ था, इसके कारण उनके अंदर बेभराव और ये लोटस ऑपरेशन करके आने वाले दो तीन दिनों में निश्चित तौर पे जिस तरीके से वहां के कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे पास बहुमत है करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, इसका मतलब ऐसा है कि उनके पास बहुमत नहीं है। आने वाले दो चार दिनों में निश्चित तौर पर इसका फैसला हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कर्नाटक की उठापटक के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में फूक फूक कर कदम रख रही है। कमलनाथ सरकार भी निर्दलीय और सपा बसपा विधायकों के भरोसे चल रही है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कमलनाथ सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा नाटक ना हो, इसके लिए कमलनाथ सरकार सभी निर्दलीय विधायकों को साध के चलने की राजनीति पर काम कर रही है। हालांकि बसपा और सपा ने भी कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रखा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कांग्रेस को इन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा इस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ की गुडबुक में हैं।
सुरेंद्र सिंह पूरी ताकत से कमलनाथ के साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अभी बुरहानपुर से निर्दलीय पर्चा भरा था और निर्दलीय जीत भी हुई है उनकी। अर्चना चिटनिस जी कैबिनेट मंत्री जो 15 साल से थी उनको हराया है। आइए हम बात करते हैं उनसे खास बातचीत में। जी, आपने अर्चना चिटनिस जी को हराया जो कि 15 साल से कैबिनेट मंत्री थी। हाँ, मैंने अर्चना चिटनिस को हराया क्योंकि इन्होंने अर्चना चिटनिस का जो रवैया है बहुत ही घमंड हो गया उनको अपने आप पर, क्योंकि एक तो 15 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रही और हमारे कांग्रेस वहाँ बहुत कमजोर हो गई बुरहानपुर में, खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर रहा, तो उसका पूरा फायदा बीजेपी ने अर्चना चिटनिस ने उठाया। और जब लोगों के कहने पे, जब मैं भी बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरे तो हमें दो भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, तो मुझसे देखा नहीं कि यार लोगों ने बोला, आम जनता ने बोला आपको लड़ना ही पड़ेगा क्षेत्रीय चुनाव, और उनकी आवाज मिलाकर मैं चुनाव लड़ा, जनता ने वोट डाला और जनता चुनाव जीत गई। शेरा भैया नाम बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, आपका शेरा भैया नाम से जाने जाते हैं, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है, निर्दलीय विधायक है आपने, तो आपको क्या उम्मीद है कि क्या कांग्रेस की सरकार में या कमलनाथ की सरकार में आपको मंत्री पद दिया जाएगा? पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि कमलनाथ जी मेरी क्षमताओं को समझते हैं और मेरे काम करने की नीति को भी जानते हैं और बहुत ईमानदारी और ताकत से काम करता हूं मैं, इससे जनता ने मुझे चुन के दिया है। और ये जो मंत्री पद भी मिलेगा जनता को मिलेगा, जनता की भावनाओं का आदर होगा, सम्मान होगा, और मैं चाहता हूं कि मंत्री पद दे और वहां की जनता को प्यार मिले और उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी सरकार में जुड़े हुए हैं। तो क्या बीजेपी ने, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा जो 15 साल बीजेपी ने बिताए, उसमें क्या कमियां रहेंगी जो कांग्रेस की सरकार आई? कांग्रेस की सरकार को बीजेपी सरकार बोलती है कि ये लगड़ी सरकार है, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार चली है वो बिल्कुल पंप एंड शो में चली, क्योंकि बीजेपी नहीं जीती हर वक्त कांग्रेस हारी, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा एकजुटता नहीं है, उनके संगठन की कमी है हमारे इसमें, जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस में संगठन की कमी है। जो सर्वेज में मेरा 3 सर्वे में नाम आया, मुझे टिकट नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस ने कम से कम 40 सीट ऐसी खो दी जो जीत सकती थी कांग्रेस, उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने मतलब उनको टिकट नहीं दिया जो जीत सकते थे, दूसरे आदमी को टिकट दिया, इस तरह से कांग्रेस ने इतना नुकसान सहा, नहीं तो कांग्रेस की कम से कम नहीं तो भी 130-135 सीट आती थी आराम से। अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ जिसमें 120 सीटें कांग्रेस को मिली, उसमें आपका भी समर्थन रहा था? हम लोग का तो पूरा समर्थन है, हम 7 निर्दलीय, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा ने पूरा साथ दिया है कांग्रेस को ईमानदारी से और बिना किसी लालच के साथ दिया, बिना किसी कोई कंडीशन के साथ दिया, और हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया कांग्रेस को जिताकर, कांग्रेस की सरकार बनाकर। अब बारी कांग्रेस के नेताओं की है, आदरणीय कमलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह जी की है, ज्योतिराज सिंधिया जी की है, कि वो हमको कांग्रेस में सरकार में सहभागिता करवाए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। आपका कमलनाथ जी से अच्छा पड़ता भी है, अच्छा जानते भी हैं आपको, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कौन सा पद मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा आपको? नहीं, मेरा तो सभी नेताओं से बहुत संबंध है, आदरणीय कमलनाथ जी से भी है, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह से भी है, आदरणीय महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से भी है, और हम लोग सब मिलकर अभी पद का तय करना उनके हाथ में है, क्योंकि आप जानते हो क्रिकेट टीम के क्रिकेट मैच में कौन से डाउन पे कौन से खिलाड़ी को भेजना है, ये पूरा अधिकार कप्तान का रहता है, कप्तान के विवेक पर रहता है कि कब भेजना है। अगर उनको कम ओवर्स में या कम ओवर्स में उनको रन चाहिए तो भी हिटर को भेजते हैं, हम लोग हिटर है, पब्लिक ने प्रूव कर दिया है, इसलिए हम उनके हिसाब से काम करेंगे और जैसा उनका विवेक बोलेगा वैसा काम करेंगे। तो शेरा भैया का साफ कहना है कि बुरहानपुर से जनता ने उनको चुना है, कद्दावर नेता माने जाते हैं बुरहानपुर के, उन्होंने निर्दलीय समर्थन दिया है कांग्रेस को, अब उनको उम्मीदें हैं कि जो कमलनाथ सरकार है वो उनको अवश्य ही कोई सा पद देगी, कोई सा मंत्री बनाएगी, फिलहाल देखना ये होगा कि कौन सा पद मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। बुरहानपुर सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, यहां से बीजेपी शासनकाल में मंत्री रही अर्चना चिटनिस ने 2008 और 2013 में जीत हासिल की थी। 2018 में ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी की अर्चना चिटनिस को चुनाव पटखनी देते हुए भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। शेरा भैया नाम से मशहूर ठाकुर सुरेंद्र सिंह बुरहानपुर से कद्दावर नेता माने जाते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया को कमलनाथ जल्दी मंत्री पद से नवाज सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मीसाबंदियों की सम्मान निधि पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें कमलनाथ सरकार पर मीसाबंदियों की सम्मान निधि रोकने पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदेश सरकार के आदेश का हवाला दिया है और इसे सरकार का यूटर्न बताया है।
कमलनाथ सरकार ने मीसाबंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि जारी करने से पहले सत्यापन का आदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी आदेश को आधार बनाकर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल इस आदेश में यह कहा गया है कि मीसाबंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि के भुगतान के लिए मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन होगा। इसमें लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रित भी शामिल रहेंगे जिन्हें इसका फायदा मिल रहा है। आदेश के मुताबिक ये काम राजस्व निरीक्षक से नीचे का कोई कर्मचारी करेगा। वहीं सत्यापन के दौरान कर्मचारी स्थानीय लोगों से पूछताछ करेगा और पूरी जांच हो जाने के बाद ही मीसाबंदियों को सम्मान निधि जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस समय 1800 से 2000 मीसाबंदियों को 25,000 रूपये बतौर सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं। सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने के मामले में भाजपा शासित गुजरात देश का पहला राज्य बना है। वहीं छत्तीसगढ़ की नवगठित कांग्रेस सरकार ने अभी सवर्ण आरक्षण को ना कहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इसे भाजपा का चुनावी हथकंडा बता रही है। छत्तीसगढ़ के विधि विधायक और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस मामले पर राज्य सरकार की नीति साफ करते हुए कहा कि सवर्णों को आरक्षण की घोषणा पूरी तरह से भाजपा का चुनावी हथकंडा है। अभी लोकसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में भाजपा सवर्णों को आरक्षण का प्रलोभन देकर चुनाव जीतना चाहती है। राज्य में नई आरक्षण व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले सरकार सतही स्तर पर पड़ताल करेगी। यहां दूसरे राज्यों के मुकाबले सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या कम है और अन्य राज्यों से यहां अलग स्थिति है। आदिवासी बाहुल राज्य में नई आरक्षण व्यवस्था की वजह से दूसरे जाति वर्गों में असंतोष उपज सकता है। ऐसे में सभी तरह की स्थितियों का आंकलन करने के बाद ही आरक्षण की नई व्यवस्था को यहां लागू किया जाएगा। उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना के चक्कर में सवर्ण वर्ग के गरीबों के हित को अनदेखी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सवर्णों को आरक्षण किसी एक राज्य का मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने यात्री बस में आग लगा दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना को तकरीबन एक दर्जन नक्सलियों ने अंजाम दिया। कासौली सीएएफ कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने यात्री बस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। बस सुबह 25 सवारी लेकर रोज की तरह गीदम से छिंदनगर जा रही थी। नक्सलियों ने बस को रोककर छिंदनगर कासौली के बीच इस घटना को अंजाम दिया है। बस जिला पंचायत सदस्य चैतराम अटामी की है। कैंप के नजदीक हथियारबंद नक्सली पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही बस इलाके में पहुंची, नक्सलियों ने बस को रोककर उसमें आग लगा दी। 2 महिलाएं और 12 पुरुष नक्सलवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद इस इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। क्या है, बस जो है जनसुविधा एक्सप्रेस है, तो सहायता समूह का, ये चिंदनार से जो है गिदम जो सवारी चला रहे थे, आज जो है सवेरे चिन्नार जा रहे थे, यहाँ कुछ नक्सली आकर जो है उसको रोके, सारे सवारी को नीचे उतारे, सब मोबाइल जब्त किए, उसके बाद गाड़ी को आग लगा दी। नक्सलियों से जुड़ी एक और खबर। कांग्रेसियों ने दंतेवाड़ा में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 2 क्विंटल विस्फोटक जमीन में गाड़ के रखा था। सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों का ये जखीरा पकड़ा गया। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। दंतेवाड़ा जिले के मोखपाल में सड़क निर्माण में लगी जेसीबी से खुदाई के दौरान 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलवादियों द्वारा यह विस्फोटक यहां पर छिपाकर रखा गया था। नक्सली किसी बड़ी वारदात में इसका इस्तेमाल करते उससे पहले ही यह सामने आ गया। इस विस्फोटक के सामने आने के बाद इलाके में सर्चिंग की जा रही है। बड़ेगुदरा के बीच में सड़क निर्माण चल रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी कि वहां पे आसपास नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की मीटिंग लगाई जा रही है और कुछ आईडी लगाया जा सकता है। जब वहां पे दबिश दी गई तो कुछ मिलिशिया सदस्यों के पास काफी संख्या में वायर्स मिले। जो रोड कंस्ट्रक्शन पार्टी थी उसको सतर्क किया गया। वहां पे छुंद ढंग से जब जांच की गई तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव बड़े कंटेनर में, जिसमें करीब 200 से 250 किलो एक्सप्लोजिव था, जिससे कि बहुत बड़ी गाड़ियों को उड़ाया जा सकता है।
इधर बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने जांगला थाना क्षेत्र के हिंगुम के जंगलों से दो नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों पर हत्या लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं। इन नक्सलियों के नाम मिलिशिया कमांडर जग्गू फरसा और मिलिशिया सदस्य बोटी बेको बताए गए हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मंडियों में पहले जैसे ही आलम है। राजनगर में तो विधायक ने सबके लिए कृषि उपज मंडी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। राजनगर कृषि उपज मंडी में उड़द खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था का आलम है, जहां पर व्यापारियों से खराब उड़द खरीदी कर गोदाम में रखा जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर राजनगर से कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह ने कृषि उपज मंडी का दौरा किया। विधायक के निरीक्षण में गोदाम के अंदर कई बोरियों में खराब उड़द रखी हुई पाई गई। यही नहीं, कुछ उड़द तो शासकीय बोरियों में भी रखा हुआ था। मौके पर पहुंचकर राजनगर विधायक ने इन सबके लिए सेल्समैन भागवत कुशवाहा और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राकेश कन्नौआ पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मिली भगत से सारा खेल किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी अनियमितताएं हैं और मैं कल से यहाँ पड़ा हूँ 12 बजे से। मेरी आज तौल हुई है तो जैसी भर्रा में माल डाला मेरा छन्ना में तो सर्वेयर आया, बोला ये माल रिजेक्ट है आपका। मैंने कहा क्यों रिजेक्ट है? बोले इसमें कचरा है। मैंने कहा एक बार नहीं, इसको दो बार डालो, चार बार डालो। बोले नहीं, वो तो मैं 10 बार डालू, मैं जितनी बार डालना उतनी बार डालो आप। और मैंने कहा जो माल कच्चा माल तोड़ रहे हो उसका क्या है? बोले ठीक है आपका तोल जाएगा, 2 किलो प्रति बोरा आपको लगेगा। तो उन्होंने 2 किलो प्रति बोरा मेरा काटा है और तोल के लिए 30 रुपया प्रति क्विंटल तोल लिए मुझसे। आज मुझे सूचना मिली, मैं अपने कार्यालय में था तब मेरे पास में फोन आया कुछ किसानों का कि यहाँ पे अनियमितताएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उन अनियमितताओं पे अंकुश लगाइए आप। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो बोले कि यहाँ पे पुराने उर्दों की भर्ती जल्दी करी जा रही है और यहाँ पे जो ये भगवत कुशवाहा सेल्समैन हैं इनके द्वारा पे भ्रष्टाचारी करी जा रही है। तो मैंने पूछा भाई क्या ये बताइए कि आप कितना उर्द लेके आए? सो उन्होंने बताया कि हम तो अपना एक ट्रैक्टर उर्द लेके आए, उर्दा लेके आए और हमारा डुमरा का है वो माल हमारा लगभग 35 क्विंटल 37 क्विंटल के लगभग होना चाहिए। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या आपकी ना तो तौल करी गई होगी अभी तक? बोले नहीं, मैं सवेरे से यहाँ पे हूँ तो तौल नहीं करी गई है और जो और लोगों का माल आ रहा है अब वो चाहे जिसका भी हो पुराना माल है उसकी भर्ती करी जा रही है। राजनगर कृषि उपज मंडी में विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने देखा कि किसानों की जगह व्यापारियों को प्राथमिकता देकर उनकी खराब उड़द को जमा किया जा रहा है। यही नहीं, किसानों के तौल में भी लगातार गड़बड़ी की जा रही है। विधायक का कहना है वह इन गड़बड़ियों को करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी इन दिनों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं। जोगी ने परिवार के साथ मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी को अब ये समझ आ गया है कि फिलहाल कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं देने वाली। यही वजह है कि वे लगातार बसपा प्रमुख मायावती से नजदीकी बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं। जोगी ने परिवार सहित बसपा सुप्रीमो मायावती से उनके जन्मदिन पर भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जोगी की यह मुलाकात मायावती से दिल्ली में हुई। मलयाली समाज ने मकर विलक्कू और मकर ज्योति पर्व धूमधाम से मनाया। भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। मलयाली समाज ने अयप्पा मंदिर सीटीओ बैरागढ़ में मकर विलक्कू व मकर ज्योति पर्व मनाया। इस अवसर पर भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना की गई, मंदिरों में दीप जलाए गए व मंदिरों को फूलों से सजाया गया। कल समापन अवसर पर 3 ईमी सेंटर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में केरल के कलाकारों ने समा बांधा। जुलूस में रथ पर स्वामी अयप्पा की पालकी सजाई गई थी।
यहां समाज के लोग नाचते गाते नजर आए। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। आज मंदिर में मगरब महोत्सव का समापन आज नवंबर 16 से लेकर एक हादसे में दूध से भरा टैंकर क्या पलटा, लोग मदद करने के बजाय दूध लूटने में लग गए, जिसे देखो वो दूध भरकर चलता बना। यह मामला नारायणपुर का है। छत्तीसगढ़ में दूध की लूट देखने को मिली, बोतल बाल्टी डब्बा जिसे जो मिला दूध भरकर चलता बना। कोंडा गांव से नारायणपुर जाने वाले मार्ग के जोंदरा पदर गांव पर एक दूध से भरे टैंकर और एक ट्रैक्टर की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूध से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में वाहन चालक को चोटें आईं, ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों को चोटें भी आईं। हैरानी की बात यह है कि हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण घायलों की मदद करने के बजाय दूध के टैंकर में से गिर रहे दूध को लूटने में लगे रहे। धीरे धीरे इलाके के लोग बाल्टी बोतल और बर्तन लेकर यहां आने लगे और दूध लेकर जाने लगे, जिसे जो मिला उसमें दूध भरकर ले जाने में लगा रहा। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, पर वो भी ग्रामीणों को इस दूध को लूटने से नहीं रोक सकी। यह दूध का टैंकर नारायणपुर की ओर से दूध लेकर जगदलपुर की ओर जाने के लिए निकला था और यह हादसा हो गया। अब रीवा में 22 जनवरी से कबड्डी की धूम रहेगी। इस सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में ही मध्य प्रदेश कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश अमेच्योर कबड्डी संघ के निर्देश पर सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप 22 से 24 जनवरी तक रीवा में आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीनियर कबड्डी खिलाड़ी अपने अपने जिले से सम्मिलित होंगे। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश कबड्डी टीम का चयन होगा। चयन किए गए खिलाड़ी 28 जनवरी से 31 जनवरी तक मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन स्थल तथौर बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय में होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए सभी प्रबंध किए जा चुके हैं। रीवा जिला अमेच्योर कबड्डी संघ द्वारा मध्य प्रदेश की 91वीं सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रीवा जिले के तेवथर तहसील में 22, 23, 24 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। और इसी प्रतियोगिता के आधार पर मध्य प्रदेश के सीनियर पुरुष कबड्डी टीम का चयन होगा, जो 28 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पे जो बॉम्बे में आयोजित है प्रतियोगिता, उसमें ये खिलाड़ी भाग लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।